हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम शारद पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि चला गया है, माता दुर्गा का पूजा कंप्लीट है। दोस्तों, आज हम शारद पूर्णिमा से जुड़े टॉपिक में बात करेंगे। दोस्तों, शारद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी जी का आविर्भाव दिवस माना जाता है। दोस्तों, इस दिन कहा जाता है कृष्ण भगवान ने अपने गोपियों के साथ लीला किया था इस शारद पूर्णिमा के दिन। फ्रेंड, ऐसा बोला जाता है जो कोई शारद पूर्णिमा के दिन माता का पूजा करते हैं लक्ष्मी जी का, उनके घर में धन दौलत का कोई कमी नहीं होता है। तो दोस्तों, बंगाल में, आसाम में, बांग्लादेश में इस दिन पूजा किया जाता है माता का। तो फिर माता के साथ आप विष्णु भगवान का भी पूजा कर सकते हैं, इससे माता और भी प्रसन्न होता है। तो फिर माता का पूजा करने के लिए इस दिन आप चौकी लीजिए, चौकी पे एक लाल कपड़े बिछा के माता का मूर्ति या चित्र उसमें स्थापन कीजिए। फ्रेंड, उसके बाद माता को गंगा जल का छींटा दीजिए और तिलक सिंदूर अर्पण कीजिए और तिलक टीका कीजिए। फ्रेंड, उसके बाद माता को पुष्प चढ़ाइए, कमल का पुष्प माता को प्रिय है, कमल का पुष्प अर्पण कीजिए। दोस्तों, भोग के रूप में आप इस दिन चावल का खीर अर्पण कीजिए, माता को बहुत प्रिय है। बताशे अर्पण कीजिए, केला अर्पण कीजिए, माता को प्रिय है। दोस्तों, आप माता के सामने एक घट स्थापन कीजिए और आल्पना जो बोला जाता है उसको, आल्पना को आप अंकन कर सकते हैं, माता का जो पैर का पिक्चर अर्पण कर सकते हैं, आल्पना को अंकन कर सकते हैं। और फिर माता धान का पेड़ का पूजा किया जाता है इस दिन, बहुत शुभ माना जाता है। फ्रेंड, आप माता को पान सुपारी और उसमें दो इलायची और दो लौंग अर्पण कीजिए, ये माता का प्रिय है, इससे आपको बहुत सुख शांति मिलेगा। फ्रेंड, माता को आप छेने का मिठाई अर्पण कीजिए, छेने का मिठाई माता को प्रिय है, छेने का मिठाई माता का बहुत प्रिय है। दोस्तों, इस दिन बोला जाता है घी का अखंड जोत जलाया जाता है, इससे माता लक्ष्मी उल्लू अपने वाहन उल्लू पे सवारी करके देखते हैं किसके घर में दीपक जल रहा है, उसको बहुत आशीर्वाद देते हैं। और इस दिन रात भर के माता का पूजा किया जाता है, माता को अच्छे अच्छे भोग चढ़ाया जाता है, माता का भजन करके पूजा किया जाता है। फ्रेंड, बंगाल में और कुछ जगह में माता का पूजा में कोई घंटी बजाया नहीं जाता है, सिर्फ शंख बजाया जाता है। तो फ्रेंड, आप भक्ति और श्रद्धा से इस दिन माता का पूजा कीजिए, माता धन और ऐश्वर्य से जो पूजा करते हैं इस दिन, माता उसका घर हमेशा धन और ऐश्वर्य से भर देते हैं। तो दोस्तों, आप इस दिन अष्टलक्ष्मी माता का भी पूजा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता लक्ष्मी।